हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हेल्थी टॉमी के अंदर। आज हम बात करेंगे एटॉमी के आई कॉम्प्लेक्स के बारे में। आई कॉम्प्लेक्स एक तरह का सोर है आपकी बॉडी का, क्योंकि उसी जगह से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। तो एक विंडो है जहां से आप अपनी पूरी दुनिया को देखने के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी अलग अलग चीज़ों को देख पाती है। सो उसका केयर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपके आई के नीचे वाले जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होने के साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा केयर भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि मच थिनर होने की वजह से उसके अंदर जो फैट होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ना ही उसके अंदर कोई कोलेजन प्रोड्यूस होता है, ना ही उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल क्रीम आप उस पर लगा सकते हैं। वेरी लिटिल सॉफ्ट टिश्यू लाइक फैट और मसल्स अंडर आई। कई रीज़न हो सकते हैं ड्यू टू, अगर आप वहाँ पे देखें कि आपको डार्क सर्कल्स हो रखे हैं तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। या तो आप कम सो रहे हैं, या डाइट आपकी अच्छी नहीं है, या स्ट्रेस है, या फिटनेस आपकी उच्च लेवल पे नहीं है। ज़्यादा देर तक आप मोबाइल स्क्रीन को यूज़ करेंगे या स्क्रीन को देखेंगे तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। या अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं स्क्रीन के सामने लॉन्ग आवर्स के लिए तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्किन पोर्शन में आपको कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं मिलेगा, कोलेजन प्रोड्यूस इसके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एरिया ब्लैक पड़ जाता है। सो व्हाट इज़ आई क्रीम? आई क्रीम बना ही उस चीज़ के लिए है कि आपके स्किन अराउंड द आई, उस वाले एरिया को जो डार्क हो रखा है उसको ठीक कर सके। साथ ही साथ ये ज़्यादा ऑयल कंटेन करता है रेगुलर फेशियल के अकॉर्डिंगली, बट बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से जब आप इसको यूज़ करेंगे और एक ऐसा प्रोडक्ट ला के देंगे इसको जो कि आई क्रीम के लिए ही बना है, तो इसको खास बेनिफिट मिलेगा। डे एंड नाइट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो जो डार्क वाला एरिया है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। आई क्रीम चाहिए क्यों? ताकि आपकी आई के नीचे वाले जो स्किन का एरिया है वो ड्राई होने से बच सके, ये फाइट कर सके एंटी एजिंग की वजह से, और डार्क सर्कल्स को रिड्यूस कर सके, फाइन डाइल्स रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा जो आई के नीचे वाले एरिया में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा झुर्रियाँ जो आती हैं वो उसी वाले एरिया पे आती हैं, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। मॉइस्चराइज़र की जगह अगर आप आई क्रीम यूज़ करते हैं तो क्यों क्यों यूज़ करना है आपको? मॉइस्चराइज़र उतना इफेक्टिव नहीं है इस एरिया में जितना आई क्रीम रहता है। आई क्रीम नीचे वाले एरिया को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट मानता है, इसीलिए उसकी केयरिंग भी अपने अलग तरीके से करता है। आई क्रीम बहुत ही डेलिकेट होता है जो आपके उस वाले एरिया को पेनिट्रेट करता है डीपेस्ट लेयर तक जाके, जिसके वजह से डार्क सर्कल्स का जो एरिया है, ये जो जो डार्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। कब आपको आई क्रीम लगाना स्टार्ट करना चाहिए? आपको जो क्रीम है उसको आपको अपने फिंगर पे लगाना है, रिंग फिंगर से लगाना है, क्योंकि रिंग फिंगर के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स रहती है, और धीरे धीरे टैप टैप करना है, जिसके बाद आप उसको हल्का सा मिला सकते हैं। आपको रगड़ना नहीं है, ये रब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस वाले एरिया को आप डैमेज कर देंगे। और अगर आप एजिंग से बचना चाहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। या तो अगर आप अपना हैंड अप्लाई नहीं करना चाहते तो मार्केट में आपको बहुत सारे स्पैटुला मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिंगर मस्ट हैव जर्म्स। तो उसकी जगह आप स्पैटुला यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर पाएंगे। ये क्योंकि ये प्रमोट करेगा हाइजीन, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स जो आपके हाथों में होते हैं वो आपके फेस पे अप्लाई नहीं हो पाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने फेस को जवान दिखाना चाहते हैं तो आप अपने फेस को बार बार घड़ी घड़ी टच ना करें। जितनी बार भी आप इसको यूज़ करेंगे स्पैटुला को, आप चाहें तो आप अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को भी आप इसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टिक्स में आते हैं और कुछ आते हैं प्लास्टिक्स के अंदर। जो प्लास्टिक वाला होगा उसको आप धो के भी आप इसको रीयूज़ कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके आई क्रीम यानी कि जो आई क्रीम के लिए प्रोडक्ट बना है आपके डार्क सर्कल्स के, उसको आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।